हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जीरो ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप की जो स्टेटस है, जो फाइनल स्टेटस आ चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्कॉलरशिप आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम दो स्कॉलरशिप को लेकर चलेंगे। एक जो कि जिसमें कि जिसके अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है, दूसरा जिसके अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। दोनों के स्टेटस को चेक करें कि दोनों के स्टेटस में क्या डिफरेंसेस है और क्या उनके स्टेटस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, एक बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो है। अगर आपका भी स्टेटस चेक करना हो तो आप इस वीडियो को ऐसे एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। आपको एज इट इज़ सब कुछ पता चल जाएगा कि आपकी जो स्कॉलरशिप आई है तो उसका क्या स्टेटस है, नहीं है तो उसका क्या स्टेटस है। तो दोस्तों, ये यूपी स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम आ गए हैं। आप अपने लैपटॉप में अगर कर रहे हैं तो यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो भी आप चले जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अपने मोबाइल फ़ोन से भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप वहाँ पर अगर गूगल क्रोम में या फिर सर्च इंजन के में जाके यूपी स्कॉलरशिप टाइप कर देंगे तो भी आप जो है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे जो टैब दिख रहे हैं, स्टूडेंट इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट, दोस्तों इस टाइप में आपको स्टूडेंट पे जाना है। स्टूडेंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेश लॉगिन सर्वर वन पे जाके, यहाँ पे देखिए, अगर प्री मैट्रिक का चेक करना तो यहाँ पे, इंटरमीडिएट स्टूडेंट का करना तो यहाँ पे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट जैसे कि BA, BSc, BEd, इसका जो है कि स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है 2021-22 का, तो जो कि हम ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, हम उनके स्टेटस चेक करें जिनकी स्कॉलरशिप आई हुई है। यहाँ पे उनका जन्मतिथि भर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा भर देते हैं, 4, 5, 3, 6 एंड 7। इसके बाद कर देते हैं सबमिट। जैसे आप दोस्तों सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ पे जो कि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो इस टाइप से इंटरफेस आपको दिख रहा होगा उस टाइम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ पत्र, आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जब हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको अलाउ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षण संस्थान और जिला आ गया, रजिस्ट्रेशन संख्या इनका नाम आ गया है। देखिए करंट स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, तो इनका जो स्कॉलरशिप जो आई है दोस्तों, 1,800 रुपया प्लस जो कि फी जो वापसी होता है उसका 5,000 रुपया, तो कुल मिला के इनका 6,800 रुपया आगे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों, यहाँ पे 6,800 रुपये इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनका हमने स्टेटस चेक किया है जिनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। चलिए अब दूसरा स्टेटस चेक करते हैं जिसकी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, ठीक है। तो फिर से हम चले जाते हैं, यहाँ पे लॉगआउट वो कर देते हैं। लॉगआउट करने के बाद इसका जो है कि होम, जो कि यूपी स्कॉलरशिप का होम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन जाएगा। तो ये भी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट फिर से खुल गई है। फिर से यहाँ पे स्टूडेंट पे चले जाते हैं, यहाँ पे फ्रेश लॉगिन सर्वर वन पे चले जाते हैं, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट स्टूडेंट पे चले जाते हैं। यहाँ पे इनका फिर से, जिनका नहीं है उनका हम रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देते हैं, 8,694,8, और इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इनका ये सब इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है कि फिर पॉपअप खुल गया। इस पॉपअप पे जाके हम यहाँ पे इसको परमिशन दे देते हैं। और यहाँ देखिए, इनका शिक्षण संस्थान और जिला आ गया, यहाँ इनका नाम हो गया, यहाँ सब कुछ कंप्लीटेड है। यहाँ पे देखिए अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस, इनके सबसे पहले बात करें, इनका जो स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, ठीक है। इनका स्कॉलरशिप नहीं आया तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए इनके स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS, है ना, जो जहाँ से स्कॉलरशिप रिलीज की जाती है, जिस फंड से, उस फंड से इनको रिस्पॉन्स को पेंडिंग कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है फंड वहाँ पे ख़त्म हो गया हो या फिर कोई जेन्युइन दूसरी इशूज हो। लेकिन यहाँ पे बस जो है कि इनका स्कॉलरशिप इसलिए होल्ड कर दी गई, इसलिए रोक लेगी क्योंकि जो कि PFMS से कोई इनके स्कॉलरशिप पर रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया, वहाँ से पेंडिंग में डाल दिया गया इनके स्कॉलरशिप के स्टेटस को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर करंट स्टेटस की बात करें तो वेरीफाइड या फिर रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, उसके द्वारा रिकमेंड कर दिया गया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि फंड की कमी की वजह से इनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई है। तो बहुत से दोस्तों के साथ ऐसी दिक्कतें आई हैं। दोस्तों, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि जो गवर्नमेंट का फंड था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस हम यही इतना ही बात करने वाले थे, और जिनकी स्कॉलरशिप आई है उनके लिए ऑल द बेस्ट, उनका बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है दोस्तों, बहुत कम चांस है उनकी स्कॉलरशिप आए, क्योंकि स्कॉलरशिप के से रिलेटेड कोई भी अपडेट अभी देखी नहीं जा रही है। अगर दोस्तों हम बात करें, अगर इसके होम पेज पे फिर से बढ़ जाते हैं, तो इस स्टेटस चेक करने का एक और तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपना
यहाँ पे जब नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अपनी भुगतान राशि की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इस पर भी जाके आप क्लिक करके जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपना अकाउंट नंबर टाइप कर दीजिए, इसके बाद अपना अकाउंट नंबर को कन्फर्म कर दीजिए। इसके बाद एक कैप्चा डाल के जो भी आपकी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी पे क्लिक करके आप क्लिक करके उस ओटीपी को फिल कर दीजिए। इसके बाद जो है कि दोस्तों आप पूरी डिटेल्स पाएंगे कि आपका स्कॉलरशिप क्यों नहीं है। एक तीसरा तरीका और इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब जाएंगे स्टेटस में, यहाँ पे देखिए अभी स्टेटस अपडेट नहीं किया, एप्लीकेशन स्टेटस 2020-21 का दिया हुआ है। जब ये 2021-22 का हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप अपने स्टेटस को जान जान पाएंगे। जब इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन संख्या के लिए इंटरफेस खुलेगा और जन्मतिथि के लिए भी इंटरफेस टेस्ट खुल जाएगा। तो जब 2021-22 का आ जाएगा तो वहाँ पर अपना रिसेंट रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि डाल के उस पर क्लिक करके आप जो है कि जान सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू वेरी मच।